गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने अपनी टीम के साथ पीरटांड के विभिन्न चुनाव बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और इलाके की समस्याओं से अवगत हुए। मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि इन्होंने कई बूथों का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इलाके के ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया कि इन्हें पुलिस से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो तो ये पुलिस अधिकारियों से मिले, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मौके पर इन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया। हुए थे तो मैं स्वयं और हमारी पूरी टीम बूथों का जब निरीक्षण करते थे तो सभी गांव वालों से हम लोग मिलते थे और उनसे डायरेक्टली संवाद होता था। उस सभी गांव वालों के लिए और यहां के जो आम लोग हैं उनसे हमारा स्पष्ट रूप से ये अनुरोध है कि आप जो है पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और जो भी आपकी क्षेत्र की समस्याएं हैं जो पुलिस से संबंधित हैं उसे हमें अवगत कराएं। मैं जिला मुख्यालय में स्वयं रहता हूं और हमारे पुलिस पदाधिकारी भी जो थाना में रहते हैं उनसे अवगत कराएं। हम ये आश्वासन देते हैं कि आपकी हर तरह की समस्याओं का निराकरण पुलिस करेगी और साथ ही जो भी आपके जो डिस्प्यूट्स हैं या जो भी कांड है या जो भी किसी प्रकार की ऐसी कानूनी अड़चन जो आपको दिक्कत दे रही है उसके लिए पुलिस समर्थ है आपको मदद करने के लिए। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी एससी ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बर रोड जीडी बगे।